सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम आप सभी को। आई होप आप लोग सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और अभी हम आ चुके हैं घर से नहा धोवा के मशीन पे, और हमारे पीछे सोए हुए हैं अभी तक हम बसंत जी। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अपना मील, दिखाते तो रोज हैं, और रात का कुछ इधर उधर हुआ है वो दिखाते हैं। कल गए हुए थे मशीन चलने के लिए, लेके गए हुए थे, तो क्या क्या तोड़ के लाए हैं आपको दिखाते हैं, उसको बनवाना पड़ेगा। तो मौसम देखिए, आज कोहरा बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, और इस मशीन में देखिए क्या खराबी हो गई है। मशीन का जो क्रॉस होता है यहाँ से क्रैक हो चुका है, अब इसको कराना पड़ेगा वेल्डिंग। अब ये कैसे टूटा है, क्या पता टूट गया होगा, यहाँ पहले से भी वेल्डिंग था, उसके बाद कहीं दबा हुआ होगा तो टूट गया होगा, टेढ़ा भी हो गया है। इसको बैठा के और इसको वेल्डिंग कराना पड़ेगा। इधर खड़ी है अपनी दोनों ट्रैक्टर और पिकअप, और अभी दो चार ग्राहक आए थे तो उनको आटा वाटा लिए हैं, वो लोग आटा लेके घर गए हैं, रोटी बनाएंगे खाएंगे, और बसंत जी सोए हुए हैं। और आज थोड़ी ठंडी ज़्यादा पड़ गई है, बढ़ गई है, तो अभी बाहर आग वाग जलाए हुए थे, थोड़ा सा ता आग वो सेके हैं, तापे हैं, पर आग बुझ गया है। आग था धान की पराली का। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कौन कौन आता है, ग्राहकों को संभालते हैं, उसके बाद घर जाएंगे नाश्ते करने के लिए। तो हे गाइस, सभी आ चुके हैं अपनी मशीन के थोड़ी दूर पे अपने खेत के पास धान कटिंग कराने के लिए, क्योंकि कि खेत के ही पास हार्वेस्टर चल रहा था। तो अभी आए हुए हैं, जस्ट अभी अभी आए हैं ट्रैक्टर को लेके धान कटिंग कराने के लिए। तो हार्वेस्टर चल रही है देखिए वहाँ पे, और अभी ये रहा अपना खेत, इसके बाद जो है कि अपना खेत कटेगा, तो इसको लेके चलते हैं मिल पे। अब ये वाला खेत कट जाएगा तो मात्र एक खेत बचेगा, जो उस साइड है वो भी कट जाएगा तो ख़त्म, उसके बाद थोड़ा सा टेंशन मुक्त हो जाएगा कि सारा धान कट गया। तो अभी देखते हैं कब तक हार्वेस्टर आता है और ये अपनी फसल कब तक कटती है। अभी हार्वेस्टर चल रही है, वहाँ पर एक दो राउंड का बचा हुआ है, वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आती है। भाई सभी जो है कि हार्वेस्टर आ चुकी है अपने खेत में और खेत कटिंग कर रही है, कुछ देर में कटिंग करती है, उसके बाद इसको लेके चलते हैं मिल पे। घूम घूम के देखना पड़ता है कहीं छूट तो नहीं रहा है ना, दाना उठा के फिर डाल दिया जाएगा ना। देखिए इधर को छूट गया है, ये छूट गया है, इसको तोड़ के डाल देते हैं, कुछ झूठ मूठ में नुकसान हो जाएगा ना। अभी जो है कि अपना खेत कट चुका है और धान गिरने लगा, अब इसको लेके चलते हैं मिल पे। वो रहा अपना मिल और इधर रहा अपना खेत था। अब हम लोग चल दिए मिल पे, इसको अनाज को नीचे गिराया जाएगा और फिर फैलाया जाएगा सुखाने के लिए। लगाते हैं टॉप गियर, कर्तरन में बूढ़े ना केतर करो। का कॉस हो पाला पटक देने इतने में तो
बोले थी भाई क्या करा भाई बोला कब जाता ना तो करता रहना मैं रतना ही अंगन रतना ही अंगन। मौगी को आती है हाँ जान तो नहीं की रहूंगा हाँ अरे इनके बुखार ऐसे चले लगा हाँ उठी लेके जा हम कभी माटी को लाता तो क्या हो ही हाँ बोला लगा नहीं पाती है ना ही पापा ना देगा बड़ी बड़ा खाना खाए दूसरे के ना दालू तो ये बात करा कुछ उतारी का काला भा का इसीलिए नहीं का बोला वो हम्म।